हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.3 फॉर क्लास 9th। आई होप आपको जो कल क्वेश्चन समझाया था वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट, आप जानते हो कि 1/7 इज इक्वल टू, भाई 1 के अंदर जब हम 7 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.142857 और इसके ऊपर बार लाइन। मैंने बल कल बताया था कि इस बार लाइन का मतलब क्या होता है कि यानी कि 7 से आगे वापस से यही डिजिट क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। वापस से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर वापस से 1, 4, 2, 8, 5, 7, इस प्रकार से रिपीट होते रहेंगे। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस, तो क्या आप जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू बता सकते हैं? क्या क्या दिया हुआ है हमें, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब भाई हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। इफ़ यू सो हाउ, अगर आप कर सकते हैं तो कैसे। देखो भाई सॉल्यूशंस करेंगे तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार लाइन। तो हमें फर्स्ट डेसिमल जब एक्सपेंशन की इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे दिया हुआ है 2/7। तो हम भाई 2/7 को किस प्रकार राइट कर सकते हैं, 2 × 1/7 राइट कर सकते हैं। ओके, अब जो 2 का तो 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.142857। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, 2 × 7 = 14, 1 कैरी, 2 × 5 = 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी, 8 × 2 = 16, 16 × 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 2 × 2 = 4, 4 × 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, फिर पॉइंट और क्या लग जाएगा 0 और इनके ऊपर क्या लग जाएगी, बार लाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने ये फाइंड किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास 3/7। तो भाई 3/7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 × 1/7। अब 3 × 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 1 कैरी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, 1 कैरी, 8 × 3 = 24, 24 × 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी, 3 × 2 = 6, 6 × 2 कैरी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, 3 × 4 = 12, 1 कैरी, 3 × 1 = 3, 3 × 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4/7। अब 4/7 की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, अभी देखो 4/7 की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, भाई 4/7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 × 1/7। देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता वीडियो विदाउट सोल्व किए हुए। तो देखो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, भाई इसमें हमें कितना दिया हुआ है, 4/7 दिया है। तो 4/7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 × 1/7 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो 4 × अब 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, बार लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं देखो उल्टा करके लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 0.142857 × 4। मैंने 4 को इधर राइट कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी रहेगी और इसके ऊपर बार लाइन है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 = 28, 2 कैरी, 4 × 5 = 20, 20 × 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी, 4 × 2 = 8, 8 × 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी, 4 × 4 = 16, 16 × 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी, 4 × 1 = 4 और 1 = 5। ओके, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा,
देखो भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको एक डिजिट को हमने छोड़ दिया, 4 7 28 टू कैरी, 4 5 20 20 में 2 ऐड किया कितना हो गया 22, 2 कैरी 4 8 32, 32 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 34, ओके 3 कैरी 4 2 8 8 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 11, 1 कैरी 4 4 16, 16 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी 4 1 4 और 4 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, पॉइंट और जीरो एज इट इज लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.571428। अब इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लाइन लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते टाइम आप भी। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.571428। इसी प्रकार हम भाई 5/7 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 × 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 6/7 को क्या क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7, 6 × 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।